नमस्कार, आज की तारीख में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। 5 करोड़ देशवासियों की आस्था को धोखा देने वाला राम रहीम जेल के भीतर है। बाहर उसको लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं, पर आपके मन में सवाल होगा कि वो जेल में कैसे जीवन काट रहा है। इसीलिए हमने जेल से निकले 4 लोगों से बातचीत की और जेल प्रशासन के अपने सूत्रों से बात कर एक रिपोर्ट बनाई है जो जेल में राम रहीम का हाल आपको बताएगी। इन 3 हफ्तों में राम रहीम जेल के भीतर क्या नौटंकी कर रहा है, क्या बहाने बना रहा है, कौन उससे मिलने जाता है, वो क्या खाता पीता है, उसकी तबीयत कैसी है, देखिए हमारी खास पेशकश 22 दिन से तिल तिल कर तड़पते राम रहीम की जेल रिपोर्ट। पचास किलो का केक काटने वाला राम रहीम सूखी रोटी तोड़ रहा है। रूबरू नाइट से करोड़ों रुपए जुटाने वाले की रोज की कमाई अब 40 रुपए भी नहीं है। ये रूहानी जाम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आपको कसमें दिलाते हैं, तो सबसे पहले उस ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा मालिक के नाम की जिसने इस सारी सृष्टि को बनाया है। रूहानी जाम पिलाने वाला जेल में खरीद कर बोतल बंद पानी पी रहा है। मैं सारा दिन तो आपसे बातें करती रहती हूं। हनीप्रीत के साथ साय की तरह रहने वाला आज उसके लिए तड़प रहा है। जिसने जेल में लगवा दी है इमरजेंसी, जिस पर जेल में है जान का खतरा, वो मां से मिलकर कैसे फूट फूट कर रोया। आज आपको दिखाएंगे जेल में तिल तिल कर तड़पते राम रहीम के 22 दिन। जेल से बाहर निकले ये हैं वो 4 किरदार जो बताएंगे सलाखों के पीछे राम रहीम के एक एक पल का हाल। सोमू पंडित बताएंगे क्यों है जेल में राम रहीम की जान को खतरा। कृष्ण बताएंगे राम रहीम को सोने के लिए कैसे बिस्तर मिलते हैं। स्वदेश किराट बताएंगे क्यों जेल में रो रहा है राम रहीम। और संत गोपाल दास बताएंगे क्या जेल में राम रहीम को VVIP ट्रीटमेंट मिल रहा है। कैदी नंबर 8647 गुरमीत राम रहीम की जेल में यही पहचान है। ये तस्वीरें कल की हैं, जब राम रहीम की मां नसीब कौर सुनरिया जेल अपने बेटे से मिलने आई। तस्वीर में देख सकते हैं कि कार के पीछे वाली सीट पर सामान रखा है और पुलिस टिक्की की तलाशी ले रही है। जेल में पहली बार राम रहीम के परिवार से कोई मिलने आया था। 21 दिन के बाद कल राम रहीम की मां बेटे के लिए कपड़े और खाने का सामान लेकर पहुंची थी और इसी तरह से इंटरकॉम के जरिए दोनों के बीच बातचीत करवाई गई, जिसमें दोनों एक दूसरे को देखकर फोन पर बात कर सकते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राम रहीम ने मां को खिड़की पर देखा, लेकिन उसके बाद वो नजरें नहीं मिला पाया और रोने लगा। इस दौरान मां ने राम रहीम को दिलासा दिया और हाईकोर्ट में केस लड़ने की बात कही। लेकिन आपको राम रहीम की इस सूरत पर तरस खाने की जरूरत नहीं है। ये वही राम रहीम है जो जेल में अपनी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत के लिए भी तड़प रहा है। जेल में हनीप्रीत को साथ रखने के लिए राम रहीम दो बार अर्जी लगा चुका है। कोर्ट में कहा गया कि हनीप्रीत फिजियोथेरेपिस्ट के साथ मसाज भी किया करती थी। पीठ दर्द के बहाने हनीप्रीत को साथ रखने के लिए राम रहीम ने इजाजत मांगी थी, लेकिन हनीप्रीत उसे तो नहीं मिली, पुलिस के चंगुल से भी फरार है। ये बात हमें बताई राम रहीम की जेल से जमानत पर छूटे सोमू पंडित ने। हनी के बारे में उसको भाई पुराने उसका क्या पता क्या रिलेशन उसकी बेटी है या वो क्या रिलेशन है उसके साथ, इसलिए उसको उसने ये भी गुहार लगाई कि वो मेरे साथ रहे। तो ये उसने सुपरिटेंडेंट को बोला था, सुपरिटेंडेंट को या किसी से ही बोला उसने ये बात कि हनीप्रीत यहाँ हो। सोमू बता रहा है कि राम रहीम की वजह से कैदी जेल के भीतर भी कैद हो चुके हैं।
खुली हवा में कैदी सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। इस वजह से कैदियों में इतना गुस्सा है कि वो राम रहीम पर हमला भी कर सकते हैं। सभी कैदियों के मुंह से ये निकला कि इसने तो फांसी देनी चाहिए थी। सब परेशान हो रहे इसकी वजह से, इसने ऐसे गंदे काम करे हैं, इतना खराब काम करा है, इसने फांसी दे देनी चाहिए थी। कैदिया की ये राय। खुला छोड़ दिया गया ना उसको, तो कैदी है ना उसको मार भी देंगे। राम रहीम पर खतरे की आशंका से हरियाणा सरकार और जेल प्रशासन बुरी तरह सतर्क है। अब इसकी पुष्टि राम रहीम की जेल में बंद और इलाज के लिए रोहतक पीजी लाए गए गोरक्षा से जुड़े संत गोपाल दास के बयान से भी होती है। उन्होंने ये कहा कि मतलब मेरे को बंद मत करिए, मैं तो पेड़ के नीचे मतलब रह लूंगा। ये बोल रहा था वो कि मेरे को मतलब लॉकअप में बंद मत करो और मेरे को थोड़ा ऐसे ही छोड़ दो। तो एक पूरी बैरिक यानी कि एक फुटबॉल का पूरा बड़ा जो ग्राउंड है, इतना बड़ा सब उसके लिए एक व्यक्ति के लिए खाली कराया गया है। तो वो बोला कि मैं ऐसे बैठ नहीं सकता, रुक नहीं सकता, मतलब मेरे को तो कुछ एक्टिविटीज़ चाहिए पूरा सारा। तो फिर बोले कि आप जो जैसे वो चाहें तो गार्डनिंग कर सकते हैं ये पूरा सारा इसमें पूरा करके, तो इन बातों को लेके ये हुआ है। जेल की काल कोठरी में घबराने वाले राम रहीम का पूरा ख्याल जेल में रखा जा रहा है। गोरक्षा आंदोलन से जुड़े गोपाल दास का दावा है कि जेल में राम रहीम वीवीआईपी की तरह ट्रीट किया जाता है। ट्रीटमेंट सब उपकरण जो है बाहर के हैं, खुद बाबा के हैं, जो जिनसे चेकअप उनका होता है काफी महंगे, क्योंकि एक बार जो डॉक्टर थे वो मेरे कुछ जांच करने के लिए आए थे, तो उन्होंने ये बताया कि ये बहुत महंगा है और ये बाबा का है। मेरा इशारा कहने का ये है कि उसके लिए अगर डेरे के अंदर MSG के जो रंगशाला जो बनी है, तो मैं ये चाह रहा हूँ जेल में शायद इसी की कमी रह गई थी जिसके लिए अभी वो निर्माण कार्य वहाँ पर चला हुआ है। जेल में शुरुआती दिनों में राम रहीम की हालत बहुत खराब रही। वो कम खाता और गुमसुम रहता था। सोमू पंडित जेल में राम रहीम के शुरुआती दिनों के हालात बताते हैं, क्योंकि वो उसी जेल में बंद थे। जब उसको अंदर ले जा रहे थे ना सुबह पहले दिन, तो उसने ये कहा कि मैं सर वो मुलाजिम से कि सर मुझे ये सोने दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, मैं यही सो जाऊंगा रोड पे सो जाएगा, यही रात गुजार लो, मैंने अंदर मत लेकर चलो। तो अंदर की जिंदगी है जो वो तो देख अलग है, इस दुनिया का बिल्कुल अलग है वाला। ये बात आई है कि डर लग रहा मुझे फेस से, वैसे उदासी ही तो रवैये है। खाना पीना ही नहीं, राम रहीम शुरू में कुछ दिनों तक बहुत परेशान करता था। वो चिल्लाता था, ये हमें उसी जेल से निकले स्वदेश किराड ने बताया है। जेल मैनुअल में जो खाना है वो उनको खाना दिया गया, उसने खाना खाया नहीं। 25 को वो आए, जैसे ही उनको बंद किया गया तो वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगे कि मैं कितना की है, मेरा की कसूर है। तो इस प्रकार की भाषा उन्होंने, और नीचे बैठ के जमीन पे और लगातार रोते रहे। हमें हमारे सूत्रों से ये भी पता चला है कि राम रहीम हमेशा अपनी बीमारी का बहाना बनाता है, इसलिए जेल प्रशासन और सरकार ने मिलकर राम रहीम के इलाज का इमरजेंसी प्लान भी तैयार कर लिया है। कुछ दिन पहले ही राम रहीम के ज्यादा बीमार होने पर उसे रोहतक PGI में इलाज के लिए ले जाने की मॉक ड्रिल भी की गई थी, जिसकी तस्वीरें भी हमारे पास हैं। बाकायदा जेल में 5 डॉक्टरों की टीम गई, वो वापस राम रहीम की डमी के साथ गाड़ी में बिठाकर रोहतक PGI तक लाई। रोहतक PGI के वार्ड नंबर 24 के कमरा नंबर 105 को राम रहीम को एडमिट करने के लिए सुरक्षित पाया गया। SP साहब से भी अबाउट 3 दिन पहले बात हुई थी, तो कह भी रहे थे कि हम आके एक बार देख भी लेंगे कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो जगह ठीक है कि नहीं, तो शायद आज उसी की कड़ी में ड्रिल की गई थी। किसके लिए सिक्योरिटी? कोई किसी प्रिजनर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा। राम रहीम को भी बाकी कैदियों की तरह सुबह चाय ब्रेड और 250 ग्राम दूध दिया जाता है। खाने में रोटी सब्जी ही दी जाती है, लेकिन ऐशो आराम की जिंदगी में जीने के आदि राम रहीम को जेल की सूखी रोटियां नहीं भा रही थी। गुरमीत ने जेल में पहली रात खाना नहीं खाया, दूसरे दिन दोपहर खाना खाने से मना कर दिया। तब जेल स्टाफ ने उसके सामने खाने की थाली रख दी और वहां से चले गए। इसके बाद गुरमीत राम रहीम ने खाना खा लिया। इसी तरह वो जेल के अंदर कोई भी काम करने को तैयार नहीं था, लेकिन जब उसकी काउंसलिंग की गई तो वो माली का काम करने को तैयार हुआ।
आम कैदी खाना खाता है वही बाबा जी के लिए खाना जाता है, और जब बाबा जी के लिए खाना कैंटीन से जाता है तो वहीं से उसकी रिकॉर्डिंग उसकी वीडियोग्राफी होनी शुरू हो जाती है। तब तक बाबा खाना नहीं खा लेता तब तक उसकी वीडियोग्राफी होती है। सेम वही प्रोसेस है जो आम कैदी का है। एक चक्की है, चक्के के अंदर ही कह रहे हैं, उस चक्के के अंदर एक ही आदमी रह सकता है, चक्के के अंदर ही सीमेंट का बेड बना हुआ है बता रहे हैं, जैसे आम कैदी के लिए होता है, और उसी में 10x10 का कमरा मुश्किल से होगा बता रहे हैं, उसके अंदर किसी दूसरे आदमी की परमिशन नहीं है। जेल की सेल को ही चक्की कहा जाता है और यहीं पर राम रहीम अपनी रातें काट रहा है। जेल प्रशासन के आला अधिकारियों ने एबीपी न्यूज को बताया है राम रहीम को अभी सुरक्षा के लिहाज से अलग सेल में रखा गया है, लेकिन हजारों भक्तों के बीच रहने वाला राम रहीम इन 22 दिनों में संत से शैतान और शैतान से कैदी बन चुका है। इन 22 दिनों में राम रहीम कभी नखरे करता है तो कभी नौटंकी तो कभी बीमारी का बहाना बनाता है, लेकिन इन्हीं 22 दिनों में राम रहीम तिल तिल कर तड़पने को भी मजबूर है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।